हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव में खुलेआम गरीबों का हक हड़पा जा रहा है। मामला ये है कि ये राशन पूरा पहली बार नहीं देते हैं, ठीक है। उन्नाव में खुलेआम गरीबों का पेट काटा जा रहा है। अच्छा, मामला क्या है? मामला क्या है, जो यहाँ पचास मिले थे तीसरे दिन का निपासों। क्यों उन्नाव के किसी अधिकारी को इन गरीबों की आवाज़ सुनाई नहीं देती? अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मामला क्या है? मामला भैया कूड़ेदार हैं, ये हम राशन पचीसी में आधा देते सबको दिया, मैं अपना हम बच्चे हैं क्या खिलाएं खेती बाड़ी। अच्छा अच्छा, क्या उन्नाव में किसी को इन बुजुर्गों की परेशानी नहीं दिखती? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, दूसरा ही के आपको समस्या क्या है? समस्या क्या है, छोटे छोटे धंधा करो। अच्छा, अभी यहाँ ले 30 किलो मिला के 80 रुपया ले। समस्या क्या है? समस्या ये है, हमारा सिर में से हमारा 30 किलो गल्ला हो 25 किलो। देखिए, पेट में जलती भूख की आग को बुझाने के लिए ये बुजुर्ग इस कपकपाती ठंड में लाठी का सहारा लिए अपना हक मांगने के लिए आए हैं। इन बुजुर्गों की बात सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। ये बेचारे सुबह की जालिम सर्दी में बची कुछ ताकत समेट कर थरथराते कांपते और लड़खड़ाते हुए बड़ी दूर से बीघापुर तहसील के डुकरई ग्राम सभा के चातुरखेड़ा गाँव में अपने हक का राशन लेने आए हैं। लेकिन यहाँ पहुँचते ही उनका सामना होता है एक ऐसे कपटी कोटेदार से जिसका पिछला इतिहास बताता है कि वो गरीबों का हक हड़पने में माहिर है। चातुरखेड़ा के कोटेदार का नाम है बिंदादीन। बिंदादीन छुप छुपा कर राशन में घपलेबाजी नहीं करता, बल्कि सबके सामने खुलेआम ताल ठोक कर वो गरीबों के हक को अजगर की तरह डकार जाता है। बिंदादीन के नाम पर कोटा तो है, लेकिन चलाता उसका बेटा अरुण कुमार है। जैसा बाप वैसा बेटा। बाप गरीबों का हक हड़पता है, लेकिन बेटा राशन की दुकान में राशन लेने आई लड़कियों से बदतमीजी भी करता है। कोटे के सामने हंगामा कर रहे लोगों ने हमारे संवाददाता गोविंद शुक्ला से बात करते हुए बताया कि किस तरह से कोटेदार ने अंधेर मचा रखी है। राशन लेने आई एक लड़की ने हमें बताया कि कोटेदार का बेटा उनसे अभद्र तरीके से बात करता है। मामला क्या है? मामला ये है कि ये राशन पूरा पहली बार नहीं देते हैं, ठीक है। कौन नहीं देता? ये बिंदादीन कोटेदार। अच्छा, फिर उसके बाद में ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, प्रेम से बात ही नहीं करते किसी से। अच्छा, हमसे क्या किसी से नहीं करते, ऊपर से बोलते हैं हमारी नौकरी करो आगे, हम तुमको खेती लिखवाएंगे। कौन कहता? कोटेदार आपसे कहते हैं? कोटेदार हमारे घर हमारे नाम है उसका। अच्छा अच्छा, कोटेदार। अच्छा अच्छा, उसका लड़का है तो आपसे क्या कहता हमारे यहाँ नौकरी करो? नौकरी करो आती, हम इनके आगे क्यों करें जाके नौकरी, ये बताओ पहले। अच्छा, हक लेने आते हैं, किसी का हक तो लेने आते नहीं यहाँ पे। इसकी मददता कौन गुहार के कारण इनसे कोटा यहाँ ट्रांसफर हुआ, काफी लोग से ज्यादा हंगामा हुआ, कोटा दूसरी जगह मैच हुआ और आज पहली बार फिर इनके पास 6-7 महीने में आया, पहली बार इन्होंने हंगामा कर दिया और बोल रहे हैं कि 8 क्विंटल कुछ किलो गल्ला हमको कम मिला। अभी कुछ समय पहले बता रहे थे कि हमने राशन बेच दिया है और सबके अंगूठा लगवा लिया। आप देख रहे हैं हर लोगों की विचार, सबकी बात अलग मिलेगी। 1 किलो से लेकर के 20-20 किलो तक राशन काट रहे हैं, किसी का 5 किलो, किसी का 10 किलो, किसी का 15 किलो। समस्या क्या है? समस्या सर ये है कि कल हम लोग राशन लेने आए, हमारा अंगूठा लगवा लिया, पहले बोला अंगूठा नहीं लगा। कहाँ लेने आए? यहाँ चतुरखेड़ा बिंदादीन कोटेदार। अच्छा, फिर क्या हुआ? अंगूठा लगवाया, एक बार नहीं लगा, फिर बोला दोबारा रखो, रख दिया, पता नहीं लगा कि नहीं लगा, पर्ची बनाया, उसके बाद बोला कि मशीन खराब। के बाद आप आए कोटेदार के पास? सुबह से है सर, अभद्रता पूर्ण बात करता है, बोला कल नहीं दूंगा, जाओ जहाँ जाना उन्नाव जाना, उन्नाव जाओ कहाँ जाना जाओ। अच्छा, धमकी देता है। अच्छा, क्या नाम है कोटेदार का? बिंदादीन कोटेदार। अच्छा ठीक, सुना आपने किस तरह से बिंदादीन का बेटा अभद्रता करता है। इसके साथ ही खुलेआम वो राशन लेने आए लोगों के यूनिट के हिसाब से राशन न देकर अपना ही आंकड़ा लगाकर देता है। किसी को 10 किलो दिया, किसी को 20 किलो दिया तो किसी का अंगूठा लगवा लिया, लेकिन राशन अगले महीने मिलेगा ये कहकर भगा दिया। कोटेदार की गुंडे यही नहीं रुकती, अगर कोई आवाज उठाता है दबंगई के साथ बिंदादीन का बेटा कहता है कि जिससे शिकायत करनी है तो कर लो, उन्नाव जाना है तो चले जाओ, मेरा कुछ नहीं कर सकते। दादाजी आपका क्या नाम है? शिव प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, समस्या क्या है? राशन नहीं देता। कौन नहीं देता? कौन नहीं देता? कोटेदार। कौन कोटेदार है? बिंदा।
अच्छा बिंदा है। और यूनिट कितने हैं आपके? यूनिट हमारा 3 है, हमारा लाल कारण। तो मामला क्या है? मामला जो है 25 किलो मानी जो है 25 किलो दी। कितने यूनिट है आपके? 7। 7 यूनिट के बदली आपको 5 यूनिट के दिया। हाँ, 25 किलो। 25 किलो दिया आप। कौन है आपके यहाँ के कोटेदार? बिंदा दी। आपको समस्या क्या है? समस्या क्या है? कोटे पूछे झगड़ा करो। अच्छा, 25 किलो मिला तेल, 80 रुपया ले। समस्या क्या है? समस्या ये है, हमारा 6 मिला जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, मामला क्या है? मामला क्या है? जो यहाँ 50 मिले थे, तीसरे दिन का परसों कौन क्या दिया? गेहूँ दिया, चावल और चावल नहीं है। कोटेदार बिंदादीन का आज जितना कलंकित है उसका कल उतना ही स्याह था। 6 महीने पहले इसी तरह से राशन में घपलेबाजी के चलते बिंदादीन का कोटा निरस्त हो गया था। लेकिन बिंदादीन जैसे बेईमानों को इस भ्रष्ट सिस्टम का फायदा उठाना आता है। 6 महीने पहले जो कोटेदार अपनी बेईमानी की वजह से अयोग्य हो गया था, जिसका कोटा छिन गया था, 6 महीने बाद ही उसके सारे दाग साफ हो गए, उसे फिर से कोटा दे दिया गया। एक आम आदमी कोटा पाना चाहे तो अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते उसकी चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन उसे कोटा नहीं मिलेगा। लेकिन एक दागदार बेईमान कोटेदार को 6 महीने में दोबारा कोटा दे दिया जाता है। अभी तक 6 महीने पहले हमारे गांव इनका कोटा निरस्त होने के बाद बगल की ग्राम सभा में कोटा अटैच था जी। तो आज का जो माहौल बना है, इसी महीने इनके पास कोटा आया, इन्होंने पहला कोटा बांटा है जो पैसे वाला, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला। 10-10 बार आके वो वापस हो गए हैं कि अंगूठा लग जाए या कोई बात हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और बोले कि नहीं, जो कोई मर गया, कुछ हो गया, आज है नहीं, कल है नहीं। आज और जो ये फ्री वाला कोटा बट रहा है, इसमें स्थितियां ये है कि जिसका 30 किलो राशन है उनको 20 किलो ही मिल रहा है, किसी का 35 किलो में 20 किलो मिल रहा है। और जो जो शासन की मंशा है कि जो इस लॉकडाउन में उन्होंने 1-1 किलो चना का भी प्रयोजन किया था, वो भी ये बांट नहीं रहे हैं इस बार। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पूरी ग्राम पंचायत में कोई ऐसा नहीं था जिसे कोटा दिया जा सके? 6 महीने पहले भी लोगों की शिकायत की वजह से कोटा निरस्त हुआ था, लिहाजा 1 महीने पहले ही मिले कोटे के जरिए अब बिंदादीन गरीब लोगों से बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। खुलेआम बेधड़क लोगों के हक को वो हड़प रहा है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई अधिकारी आसपास नजर नहीं आता। भले ही कोई अधिकारी इस कोटेदार खिलाफ आवाज न उठाए, लेकिन जनता ने ठान लिया है कि वह आवाज उठाएगी और इतनी जोर से उठाएगी कि दूर बैठे अधिकारियों को भी इस जनता की आवाज को सुनना ही पड़ेगा। संवाददाता गोविंद शुक्ला की रिपोर्ट, दीघापुर, उन्नाव, यू न्यूज़।